सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षत नेगी। आज अपन लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द थ्री बेसिक थिंग्स विच यू आर नॉट लुकिंग एट व्हाइल एनालाइजिंग अ कंपनी। सो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्हेन यू सी इंस्टीट्यूशंस विद बिग म्यूचुअल फंड्स, इवन इंस्टीट्यूशंस इंश्योरेंस कंपनीज या जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है विच एक्वायर एनी कंपनी, नॉट एक्वायर बट व्हेन दे इन्वेस्ट इन अ कंपनी, तो व्हाट दे लुक एट, ऐसी क्या तीन चीज़ें हैं। नॉट नेसेसरीली कि वो सिर्फ यही तीन चीज़ देखते हैं, बट दीज थ्री थिंग्स आर समथिंग विच दे लुक एट बट यू आर नॉट लुकिंग एट। सो ऐसी तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट यू आर मिसिंग आउट। पहली चीज़ थिंग इज कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। देर आर मेनी बिजनेसेज जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, और कई बार क्या होता है कि वो कंटिजेंट लाइबिलिटी का स्ट्रेस एक बार सीधा पड़ता है बिजनेस पे और बिजनेस ख़त्म। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी 3x टाइम्स उनके कंटिजेंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल KRBL पे एक बहुत बड़ी कंटिजेंट लाइबिलिटी है। KRBL इज़ द कंपनी विच ओन्स आई गेस इंडिया गेट बासमती, जो इंडिया गेट है वो कंपनी बासमती राइस वाली। सो उस कंपनी में बहुत ज़्यादा कंटिजेंट लाइबिलिटी है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। तो एक दिन सुबह उठे तुम और तुमने देखा कि इस पर तुम्हें पता चलता है कि कंपनी तो बंद हो गई बिकॉज ऑफ द कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो स्टे अवे फ्रॉम द कंपनी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक कंटिजेंट लाइबिलिटी है। उसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटी, छोटी मोटी लाइबिलिटी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से बिजनेस पर कोई ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी है जिसके पास लच्चे कैश रिजर्व्स हैं, लच्चे 100 करोड़ के कैश रिजर्व्स हैं, और उस कंपनी में हार्डली 30-40-50 1-2 करोड़ की लच्चे की कंटिजेंट लाइबिलिटी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा सच कोई इशू नहीं। हाँ वो बुरी बात है कि कंपनी का कैश रिजर्व कम होगा, बट इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। तो अब आ जाते हैं अपन सेकेंड पार्ट पे। द सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज समथिंग विच लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मैं कंपनी का CEO हूँ, मेरी कोई दूसरी कंपनी है, तो मेरी पहली कंपनी और मेरी दूसरी कंपनी, मेरी लिस्टेड कंपनी और मेरी अनलिस्टेड कंपनी के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई है, रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो कंपनी है, एक लिस्टेड है एक अनलिस्टेड है। जो लिस्टेड कंपनी है वो बनाती है लच्चे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैगी और ये सब ऐसे टाइप की। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई ओन नेस्ले, अब मेरी कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है खाने वाने के, और जो उसके जो उसका जो रॉ मटेरियल्स होता है वो दूसरी कंपनी से आता है। अब मैं इस वाली कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो तो दिखा सकती है किसी भी रेट पे कि हमने रॉ मटेरियल एक्वायर किया, जो दूसरी कंपनी है वो भी दिखा देगी कि हाँ हमने बेचा इतना। अब जो दूसरी कंपनी है उसके तो लिस्टेड रिकॉर्ड्स हैं नहीं एज सच, उसकी तो ऑडिट कहाँ पर हो रही है क्या हो रहा है उसको कोई ज़्यादा पूछने वाला है नहीं। ऑब्वियसली ROC जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बट SEBI उसके पीछे नहीं लगा और लोग उसके पीछे नहीं लगे, इंस्टीट्यूशन उसके पीछे नहीं लगे स्क्रूटीनी करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन काफ़ी टाइप के सब टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिलेटेड पार्टी परचेज एंड सेल। मेरी दो कंपनीज थी, एक अनलिस्टेड एक लिस्टेड, हो सकता है दोनों लिस्टेड हो या हो सकता है दोनों ही अनलिस्टेड हो, दोनों अनलिस्टेड का तो सेंस नहीं बनता, हम क्यों देख रहे हैं फिर उसको। तो हो सकता है कि मैंने कहीं से सामान लिया एक कंपनी से और मैंने उसको ऐसे रेट पे दिखा दिए जिसकी वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है लिस्टेड कंपनी में, उसकी वजह से शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब बहुत ज़्यादा स्क्रूटीनी करके तुम्हें देखनी पड़ती है। अगेन सब टाइप इज की मैनेजर पोजिशन पे जो लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, की मैनेजर्स हैं मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट, उसकी सैलरी और उसकी पे कैसी पे जा रही है। इट शुड नॉट बी वेरी हाई, इट शुड नॉट बी वेरी लो। अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो कैसे हो सकती है इतनी ज़्यादा हाई। अगर कोई 100 करोड़ का की कंपनी है, अब 100 करोड़ की कंपनी में 10 करोड़ तो मैनेजमेंट ही अपने घर ले जा रहा है, तो फिर बचा क्या मान ले। तो 100 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब तुम्हें लगेगा यार कम है तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। अब अगर किसी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, अगर किसी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाए ना, अगर किसी कंपनी में की मैनेजर पोजीशन की पे जो लोग हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, तो दिक्कत की बात की हो जाती है कि हो सकता है कि वो फिर अपना रहन सहन कैसे कर रहे हैं भाई। खाना तो वो भी खाते हैं, मर्सिडीज़ में तो उनको भी घूमना है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं मर्सिडीज़ में नहीं घूमेंगे,
ऑडी में नहीं घूमेंगे, BMW नहीं खरीदेंगे, खाना नहीं खाएंगे बाहर, और घूमने नहीं जाएंगे ट्रिप्स ट्रिप्स पे, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं कुछ अलग सोर्सेज से। अलग सोर्सेज क्या हो सकते हैं? हो सकता है वो कंपनी से अलग तरीके से पैसे निकाल रहा हो सकता है कि टैक्स बचाने की कोशिश हो रही हो सकता है कि इस कंपनी से दूसरी किसी ऑफशोर कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र हो रहा हो जो कि इसी उसकी है। हो सकता है कंसल्टेंसी फ़ीस के नाम पर ये जो हमारी लिस्टेड कंपनी है इंडिया में, वो हो सकता है कि किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में कंसल्टेंसी फ़ी के नाम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का पार्ट भेज रही है और वहाँ से सारा पैसा निकाल दिया जा रहा है प्रमोटर्स के द्वारा। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फोकस करके देखनी पड़ती है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ क्लीन बुक। सौरभ मुखर्जी का मैं देख रहा था अभी रिसेंटली, आई हैव बीन फॉलोइंग सौरभ मुखर्जी अलॉट। तो तुमने देखा होगा कि मैं कल परसों जो वीडियो डाली थी थोड़े दिनों पहले, उसमें भी आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस। तो उनकी आई सॉ वीडियो ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड फाइनेंशियल शेनानिगंस। तो इन मैं बल्कि नीचे लिंक भी डाल दूंगा। तो इन एट ही वॉज सेइंग कि निफ्टी 50 में अगर 50 कंपनी है तो उसमें 70% कंपनी की बुक्स कुक्ड है। बुक्स कुक्ड है मतलब अकाउंट्स फर्जी दिखा रखे हैं, अकाउंट्स फर्जी दिखा रखे हैं। तो अकाउंट्स फर्जी जब दिखाए जाते हैं ना, तो 100% फर्जी नहीं दिखा सकती कि कोई लूप होल ही नहीं बचा। तुम पकड़ सकते हो अगर कुछ तुम्हें फाइनेंशियल फ्रॉड्स दिखे, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना। मेरे ख्याल से पिछले वाली वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया होगा कि हमें चाहिए, अगर तो मैं इस वाली वीडियो के बाद फाइनेंशियल फ्रॉड वाली वीडियो एज सुन एज लाने की कोशिश करूँगा मैं। उसके बाद हो सकता है कि थर्ड थिंग विच वी हैव टू सी इज रिलेटेड पार्टी प्रॉपर्टीज़, कि कंपनी के रिलेटेड पार्टी के पास की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और कहाँ कहाँ पे हैं। कोई फॉरेन प्रॉपर्टीज़ तो नहीं, क्योंकि जब फॉरेन प्रॉपर्टीज़ होती है ना वहाँ पर हो जाती दिक्कत। एक कंपनी है सत्यम, उसका नाम सुना होगा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में लिख रखा है कि जी इनका ना कुछ बाहर बाहर के देशों में कुछ करंट अकाउंट्स में पैसा पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है। नहीं, आई एम सॉरी, सत्यम नहीं था, कोई दूसरी कंपनी थी। तो किसी एक कंपनी के फॉरेन बैंक अकाउंट्स में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ था। अब यहाँ का ऑडिटर बोलता है कि जी वहाँ के ऑडिटर ने तो कर लिया होगा, वहाँ के ऑडिटर ने तो रिपोर्ट बना के दे दी कि जी हाँ है कैश, हम क्यों करें फिर? और वो कैश था ही नहीं। वहाँ के जो ऑडिटर थे उनको दो वड़ा पाव खिलाए, यहाँ के जो ऑडिटर थे इनको दो वड़ा पाव खिलाए, ख़त्म हो गया, डन, कंपनी बंद। कंपनी बंद है अभी तक, मेरे ख्याल से कोई स्कॉप थी, मैं नाम भूल गया यार कंपनी का सच। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कंपनी का नाम पता है तो नीचे कमेंट करो, सो दैट एवरीवन गेट्स टू नो अबाउट दैट कंपनी। थर्ड थिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीपल डोंट लुक एट इट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने बोल दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीपल डोंट। अच्छा घड़ी दिख रही है पीछे, तब से मैंने देखा नहीं अभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड लुक एट, बिकॉज हो सकती है कंपनी है जो प्रॉफिट अर्न कर रही है पर प्रॉफिट कैश में आ ही नहीं रहा है। वो बोलते हैं कि जी हमने सेल की, सेल कैसे की? कि हमने क्रेडिट सेल की, हमने लोगों को उधार पे सामान दे दिया। अब वो जो उधार पे जिसको सामान दिया उसने कैश वापस नहीं किया, तो इसीलिए कैश फ्लो एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैश फ्लो एनालिसिस कैसे करना है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो करो। आई ट्राई टू राइट एटलीस्ट वन पोस्ट पर डे ऑन इन्वेस्टिंग एंड फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग किसी भी चीज़ पे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आई टीच गुड स्टफ ओवर देयर। मैंने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इवन बैलेंस शीट और पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वहाँ पर समझाई है। तो वो जाके देखो, पूरा आराम से बैठो। जो फर्स्ट रील मैंने बनाई थी, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, फर्स्ट रील से ऊपर 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 स्क्रॉल करते करते देखते जाओ, सारी रील्स देखो। हो सकता है हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, मतलब दिन का 1 घंटा भी देखोगे तो हो सकता है, क्योंकि 300-350 रील है, 350 × 1 मिनट, 350 मिनट, 350 मिनट कितना होगा, तो लगभग 5-5.5 घंटे का कंटेंट है वहाँ पे। 5-5.5 घंटे का कंटेंट देखो, जो मैंने लास्ट के 2-2.5 साल में जो 15-20-25-30 कोर्स किए हैं, वो सबका कोर्स का मिश्रण वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि मेरे वहाँ पे फॉलोअर्स फॉर सम रीज़न गिर रहे हैं। मैं रील डालता हूँ, लोग अनफॉलो कर देते हैं, तो आई नीड फॉलोअर्स ओवर देयर सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस। मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करो उस पर भी, और लिंक्डइन पे भी फॉलो करो, और नीचे बताओ कि किस किस पे वीडियो चाहिए। मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ।